हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम कॉटन कैंडी मशीन की रिपेयरिंग करेंगे। ये हमारे पास कॉटन कैंडी मशीन है जिसको आप देख रहे हो यहाँ पर, जिससे हम इस तरीके से, देखिए, कॉटन वाली कैंडी बनाते हैं। इसमें चीनी डाल करके गर्म करते हैं, तो इस तरीके से देखिए कॉन जो है कैंडी बनती है। तो फ्रेंड, इसकी रिपेयरिंग कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये देखिए हमारे पास कॉटन कैंडी मशीन है। ये पूरी जो है इलेक्ट्रिकल मशीन है जो बिजली से चलने वाली है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे ये आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कॉटन कैंडी मशीन के पार्ट्स के बारे में, उनके नाम सीखेंगे, और कॉटन कैंडी के मेन पैनल बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे, और एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और डीमर के कनेक्शन कैसे करेंगे ये भी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। एलिमेंट और मोटर को चेक कैसे करते हैं ये भी आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे, और मोटर रन नहीं हो रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये भी चीज़ आपको यहाँ पर बताएंगे हम। मोटर का बेयरिंग हमें कब चेंज करना चाहिए, ये सब चीज़ें इस वीडियो में आप लोग सीखोगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में एंड तक बने रहो, बहुत कुछ यहाँ से नई चीज़ें सीख करके आप जाओगे जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो या फिर बनने जा रहे हो या रिपेयरिंग का काम करने जा रहे हो। तो देखिए, ये हमारे पास फ्रेंड कॉटन कैंडी मशीन है, और ये बिल्कुल ही जो है डेड हो चुकी है। ना तो इसकी मोटर चल रही है और ना ही इसमें जो ऊपर एलिमेंट है जो चीनी को गर्म करती है वो भी जो है जो शॉर्ट हो गई है, यानी कि शॉर्ट दिखा रहा है, यानी कि वो भी ख़राब हो गई है। तो इस मशीन को हम पूरा ही रिपेयर करेंगे, जितने भी इसके कनेक्शन है सारे कनेक्शन हटा देंगे और दोबारा से इसको जो है फिर से हम कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, और बीच में देखिए ये डीमर लगा हुआ है। तो ये जो स्विच दिए हुए हैं, एक जो है हमें इसकी एलिमेंट के लिए स्विच दिया है और दूसरा वाला जो है मोटर के लिए दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी जो है अर्थ दिखा रही है, ये देखिए। तो हम इसको, इसका पैनल आगे का खोल लेते हैं, पहले पीछे से चेक कर लेते हैं क्या 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 दिक्कत है, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रॉब्लम कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मोटर के कनेक्शन अलग कर लेते हैं। पहले हम मोटर को चेक कर लेते हैं क्या हमारी मोटर सही है। तो देखिए हमने यहाँ पर मोटर के कनेक्शन अलग कर लिए, और यहाँ पर देखिए तीन वायरें आपको नज़र आ रही होंगी जो कि दो कैपेसिटर में लगेंगी और एक जो है सीधे फेज में लगेगी, तो वो स्विच के थ्रू होके जाएगी। तो वो सारे कनेक्शन हम आपको सिखाएंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी मोटर, देखिए यहाँ पर ठीक बता रही है, लेकिन मोटर ठीक बता रही है लेकिन इसमें और भी कमियां होती हैं। वो कमियां क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारी मोटर यहाँ पर, इसकी वाइंडिंग सही है लेकिन अंदर से प्रॉब्लम है, इसके वायरिंग भी ख़राब है, तो वायरिंग भी हम अभी चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अर्थिंग नहीं दिखा रही है, लेकिन फिर भी ये मोटर जो है चल नहीं रही थी, बहुत जाम चल रही थी। और वो जाम क्यों चल रही है ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये देखिए हमने इसका पैनल यहाँ पर ओपन कर लिया। ये वोल्ट मीटर है और ये एम्पियर मीटर है और ये डीमर है जो कि एलिमेंट को जो है कम या ज़्यादा करता है, यानी कि एलिमेंट को हमें ज़्यादा गर्म करना है या कम गर्म करना है वो यहाँ पर करेगा। तो ये देखिए पैनल हमने खोल लिया है, सारे कनेक्शन हम यहाँ पर इसके खोल लेंगे और दोबारा से इसके पूरे कनेक्शन हम करेंगे। तो आप यहाँ पर जो है देखिए किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। अगर आपको कनेक्शन समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इसका डायग्राम बना के एक दूसरी वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा किस तरीके से इसके कनेक्शन हैं। अगर आपको यहाँ से समझ में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर ब्रश लगे हुए हैं, ब्रश जो कि कार्बन ब्रश लगे हैं। तो और इसमें जिसमें टकराता है इस पार्ट को हम स्लिप रिंग बोलते हैं। तो ये स्लिप रिंग में ये देखिए ब्रश हमने निकाल लिया है बाहर, कार्बन ब्रश होता है ये। तो अगर ये घिस जाते हैं तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम देखिए ये स्लिप रिंग इसको बोलते हैं जिसमें हमारा ब्रश लगता है। तो इस स्लिप रिंग में जो चेक करेंगे ये देखिए इस तरीके से, देखिए चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए शॉर्ट बता रहा है यहाँ पर। तो ऊपर का हम जिसका हेड खोल लेते हैं, इसके सभी नट एक एक करके जो है हम खोल लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर खोल लिया है, ये आप देख सकते हो इसमें चीनी लगी हुई है, गुलाबी कलर की चीनी है ये देखिए, और साइड में इसके जो है एलिमेंट लगी हुई है, राउंड शेप में एलिमेंट लगी है। तो ये एलिमेंट हमारी जो है ख़राब है, फिर भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर अर्थिंग कर रही है एलिमेंट, आप देख रहे हो हमने एक वहाँ पर लगाया हुआ है और दूसरा इसकी बॉडी में लगाया हुआ है, और ये अर्थ बता रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एलिमेंट इसका फूक चुका है, जो कि शॉर्ट हो रहा है बॉडी में। जब अंदर से एलिमेंट जो है जल जाता है या शॉर्ट हो जाता है, तो इसके बाद जो है इसकी बॉडी से लगने लगता है और बॉडी में पूरा जो है करंट आने लग जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक बार और चेक करके दिखा दिया आपको। तो इसकी चीनी हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब ठीक करने के बाद हम फिर इसको चेक करेंगे और एलिमेंट इसका जो खींच के बाहर निकाल लेंगे हम इस तरीके से। देखिए फ्रेंड, और ये हमारे पास देखिए मोटर है, जो कि सिंगल फेज की मोटर है, और इस मोटर को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, कोई जो है जो शॉर्ट तरीके से भी काम करता है, कोई जो है लॉन्ग तरीके से काम करता है। तो हम इस तरीके से देखिए मोटर को निकालने हैं, तो ये मत सोचिए कि हमें निकालनी नहीं आती है, लेकिन हम अपने अपने काम करने का तरीका होता है हर किसी का। कोई काम जल्दी भी कर देता है उसी काम को, और कोई काम उसी काम में जो है घंटों लगा देता है। तो हम जल्दी करने के चक्कर में जो है इस तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन जो है मोटर हमारी पूरी तरीके से जो है उसका रोटर नहीं घूम रहा है। तो ये देखिए एक बार और चेक करके हमने आपको एलिमेंट दिखा दी। ये देखिए यहाँ पर जो हमने मोटर से जो जो है रोटर निकाला था, इस रोटर की यहाँ पर इसको देखिए सीट बोलते हैं, ये आप देख रहे हो इसको जो है इसकी सीट कट चुकी है, यानी कि जैसे बुश होता नहीं है, बुश बुश के अंदर जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट जो कट जाती है, वैसे ही यहाँ पर जो इसकी सीट कट चुकी है। तो इसमें इसकी देखिए स्पॉट भी पड़ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर स्पॉट पड़े हुए हैं। तो इसको हम जो है दोबारा से जो है वेल्डिंग करवाएंगे यहाँ पर, और किसी खराद वालों को देंगे और उसको जो है लेवल करवा लेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे ब्रू जो है बैरिंग जो है बिल्कुल फिट आए, क्योंकि यहाँ पर जो बैरिंग जो हमारा है वो स्लिप हो रहा है यहाँ पर, और इस वजह से जो हमारी मोटर चल नहीं रही है। तो ये देखिए हम यहाँ पर बैरिंग भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये बैरिंग पड़ेगा 62-03 RS बैरिंग है, तो ये बैरिंग भी हम चेंज कर देते हैं। हमने जब मोटर को खोला है, बैरिंग भी थोड़ा इसका ख़राब हो रहा था, तो दोनों साइड हम जो है इसके बैरिंग चेंज कर देंगे। आपको मोटर में अगर बैरिंग में दिक्कत नज़र आती है, तो आप बैरिंग चेंज कर दीजिए। इस तरीके से देखिए बैरिंग को हम लगा लेते हैं। ये देखिए हमने जो है ये भी फ्रंट कवर में जो है बैरिंग को इस तरीके से लगा के और मोटर को जो है फिट कर लेते हैं हम। हमने पूरी मोटर ही बाहर निकाल ली थी, क्योंकि उस तरीके से हमारा काम नहीं बन रहा था, लगे लगे जो है काम नहीं बन रहा था, तो हमने पूरी मोटर बाहर निकाल ली, क्योंकि इसके जो इसमें काम जो है लंबा है, इस मशीन में जो है काम बहुत लंबा है। इस तरीके से देखिए पुराना वायरिंग हम निकालेंगे। तो ये देखिए जो बैक साइड का पुराना वायरिंग हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ भी वही वायरिंग लगेगा, 62-03 RS वायरिंग लगेगा। और आप डबल जेड भी लगा सकते हो, और RS का मतलब होता है कि दोनों साइड जो है सील लगी हुई है प्लास्टिक की, जैसे PVC या सील बोलते हैं, रबड़ की सील लगी है दोनों साइड, या डबल जेड का मतलब होता है दोनों साइड जो है मेटल की शीट लगा होना। तो इस तरीके से देखिए बैरिंग को जो है दो तरीके से, कई तरीके के बैरिंग आते हैं, तो ये 2 RS बैरिंग है। तो मैंने आपको बता दिया 2 RS किसे बोलते हैं और डबल जेड किसे बोलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसमें फिट कर लेंगे बैरिंग को। हमने जो है इसमें जो है खराद वाले को दे करके जो इसकी शाफ्ट जो कटी थी, उस शाफ्ट को जो भरवा लिया है, और इसकी अब बैरिंग बिल्कुल फिट आ रहा है। देखिए यहाँ पर इससे पहले जो है बैरिंग यहाँ पर फिट नहीं आ रहा था, फ्री बैरिंग घूम रहा था, मतलब शाफ्ट हमारी बैरिंग के अंदर फ्री घूम रही थी, तो इस वजह से हमारी मोटर दिक्कत कर रही थी, चल नहीं रही थी। तो हमने यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम ठीक कर ली है। तो अब देखिए यहाँ पर बैरिंग हमारा बिल्कुल टाइट है यहाँ पर। अब हम जो रोटर को डाल लेंगे, तो मोटर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिस वजह से मोटर नहीं चलती है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी वाइंडिंग ही ख़राब हो तभी जो है मोटर जो है ख़राब हो सकती है। कभी कभी क्या होता है इसका इसकी शाफ्ट कट जाती है, जिससे कि बैरिंग के अंदर फ्री घूमता है। तो अगर आप टाइम टाइम पे बैरिंग इसके चेक करते रहोगे, तो उसकी वाइंडिंग नहीं फूकेगी, क्योंकि 75% कारण वाइंडिंग फूकने का यही होता है कि उसके वायरिंग ख़राब हो जाते हैं,
इस वजह से जो है वाइंडिंग जो है मोटर की फूक जाती है। अगर आप अगर वायरिंग इसके जो है आवाज़ कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो इसको आप चेंज कर दीजिए, जिससे कि हमारी मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक कर ले रहे हैं मोटर को, हमारी मोटर घूम रही है। देखिए हमने दो ग्रीन वाले वायर जो है कैपेसिटर में लगाए हैं और रेड वाली जो है हमें फेस के साथ। तो इस तरीके से देखिए फिट कर लेते हैं हम अपनी मोटर को यहाँ पर। आप चाहो तो पहले से ही जो है मोटर को पूरा फिट करके लगा सकते हो, लेकिन हम इस तरीके से लगा रहे हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से लगा सकते हो, जिससे आपको आसानी रहे आप अपने तरीके से लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे ही तरीके से लगाओ। अगर आप मोटर निकाल लो तो आपको जिस तरीके से आसान लगता है उस तरीके से जो है मोटर को निकाल सकते हो बाहर। तो हमने इस मोटर के जो है बैरिंग चेंज कर दिए थे और एक इसमें प्रॉब्लम हो रही थी जो कि शाफ्ट में स्पॉट पड़ गए थे, आपने देखा था। तो उस स्पॉट को जो है हमने खराब वाले को दे करके वहाँ वेल्डिंग करवा के और उसको जो है बिल्कुल ठीक करवा लिया था। उसने जो है घिस के इसको लेवल कर लिया था और बैरिंग दिया था उसको हमने, जिससे कि उसने चेक करके जो है हमें इस मोटर को दिया है, यानी कि उसकी जो रोटर था रोटर को हमने दे दिया था और उसने चेक करके उसको जो है बैरिंग को बढ़िया करके बिठा के उसके साइज के हिसाब से तब उसने हमें दिया है उसका रोटर। तो हमने देखिए यहाँ पर हमने रोटर लगा के और पूरी मोटर फिट करके अब यहाँ पर देखिए हमने कैंडी बार मशीन है, तो इस कैंडी मशीन में हमने मोटर फिट करके इसके कनेक्शन कर दिए हैं। क्यों ये देखिए इसका पैनल है, क्वाटन कैंडी मशीन इसको बोलते हैं। आप बहुत से लोग अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं, लेकिन इसको जो मेन नाम जो है इसको क्वाटन कैंडी मशीन ही बोलते हैं। और इसका ये देखिए पैनल है, इस पैनल की वायरिंग कैसे करेंगे हम इसको आप बहुत गौर से देखिए किस तरीके से हम पैनल की वायरिंग करेंगे। तो हमने कनेक्शन इसके जो वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर के कनेक्शन कर लिए हैं। आप बीच में डीमर देख रहे हो, यहाँ पर हमने जो है दो तारे लगाई हुई हैं और तीसरा जो तार है वहाँ से आउटपुट लिया है हमने, जो कि हमारी देखिए वहाँ पर एम्पियर मीटर में जा रही है, जो कि कितना करंट एलिमेंट ले रहा है ये यहाँ पर बताएगा। इस तरीके से देखिए कनेक्शन करना है आपको। अब देखिए स्विच में लगा दिया हमने जो हमारा डीमर जो लगा हुआ है यहाँ पर, तो डीमर जो है उसी के लिए लगाया है हमने, जो एलिमेंट है एलिमेंट को कितनी करंट देनी है और कितना गर्म रखना है उस हिसाब से जो है हमने डीमर लगाया है। बाकी हमारी जो मोटर है उसको सीधे स्विच से सप्लाई दी हुई, स्विच में जो है डायरेक्ट चलेगी हमारी मोटर स्विच से ऑन करते ही। और इस तरीके से देखिए हम कनेक्शन कर देते हैं इसके। अगर आपको इस पैनल के बारे में समझ ना आए, पैनल के कनेक्शन समझ ना आए, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं खाली इसका पैनल का वीडियो अलग से बना दूंगा, डायग्राम बना के अपलोड कर दूंगा वीडियो को, अगर आपको समझ ना आए तो। तो अभी हम इसके देखिए पैनल के कनेक्शन वगैरह हमने कर लिए हैं, तो अब इसको हम फिट कर लेते हैं मशीन के अंदर।
तो बढ़िया करके फिट करना है। एक के काम करने का तरीका होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर स्लीव वगैरह हम सब लगा के यहाँ पर पूरा फिट करेंगे, जिससे कि कभी तार वार ना कटे, और तार वार कटती है तो पूरी बॉडी में जो है अर्थ हो जाएगा। इस तरीके से देखिए स्लीव वगैरह लगा के बढ़िया करके काम करना है। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर हम जो है ब्रश के लिए हमने ये तार निकाल लिया, तो यहाँ पर हम ब्रश को फिट करेंगे। यहाँ पर देखिए तार हम लगा लेते हैं और ब्रश को यहाँ पर लगाएंगे हम, कार्बन ब्रश को। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर पुराने वाले तार लगे थे, पुराने वाले तार हमने निकाल के नए तार लगा दिए हैं। हमने पूरी वायरिंग इसकी नई कर दी है, पुराने जितने भी तार थे सारे तार निकाल के हटा दिए हमने, और जो है नई वायरिंग कर रहे हैं हम। आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बीच में आपको बताई जाती हैं, जो पॉइंट्स आप देखते रहोगे क्या क्या कमियाँ होती हैं इसमें, तो वो बीच बीच में से आपको समझ आती रहेगी। अगर वीडियो स्किप करके करोगे देखोगे तो आपको हो सकता है बहुत सी चीज़ें समझ ना आए। लगातार वीडियो देखने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप बीच बीच में जो जो कमियाँ होती हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताते रहता हूँ, जिससे कि वो कमी आप कभी जो है कभी नहीं करोगे, वो गलतियाँ जो होगी वो गलतियाँ नहीं करोगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर पैनल को फिट कर लिया है और सभी स्क्रू इसके बढ़िया करके लगा देने हैं, कोई भी स्क्रू ढीला ना रहे। तो अभी थोड़ी देर में हम इसको चेक करेंगे, सब कुछ फिट करने के बाद इसको हम चेक करेंगे। अभी पैनल हमने फिट कर लिया, अब पीछे के कनेक्शन थोड़े बचे हैं। ये देखिए मोटर के कनेक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारे जो एक स्विच से और एक न्यूट्रल फेज आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए कैपेसिटर के कनेक्शन अभी हम कर रहे हैं, तो हमने मोटर के कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर हम मोटर, ये देखिए वोल्टेज दिखा रहा है वोल्ट मीटर, और अभी हम उसको जो है आपको चला करके भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख रहे हो हम एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, एलिमेंट की सप्लाई यहाँ तक आ रही है नहीं आ रही है, तो एलिमेंट की सप्लाई यहाँ तक आ रही है। और ये देखिए हमारी मोटर चल रही है, रन हो रही है हमारी मोटर, हम इसकी साफ को जो है साफ कर लेते हैं। इस तरीके से आप मोटर को चला के जो है इसकी साफ को साफ कर सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए एलन की लगा के हम इसकी स्लिप रिंग है, ये देखिए इसको स्लिप रिंग बोलते हैं, इसको निकाल लेंगे हम। इसको देखिए इस तरीके से देखिए, अब हमने इसको निकाल के साफ ऑफ करके, साफ करने के बाद फिर इसको लगा देंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसको निकाला था, अब लगा देंगे इसको उसी तरीके से। देखिए एलन की से यहाँ पर एलन की नट लगता है। तो फ्रेंड अभी हमारे पास जो है इसकी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमने ऊपर की वीडियो आपको बना के जो है लगाते हुए नहीं दिखा पाएंगे, आपको सीधे जो है मोटर को चलते हुए हमने दिखा दिया है, और कैंडी बनाते हुए आपको नहीं दिखा पाएंगे। नहीं तो हम आपको पूरी वीडियो दिखाते, पूरी कैंडी बनाते हुए दिखाते यहाँ पर, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, इसके लिए सॉरी। और आपको
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप और भी न्यू वीडियो डालें तो आप तक हमारा जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये देखिए अभी हम एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, एक बार और आपको दिखा देते हैं। एलिमेंट को इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ध्यान रहे कि इसको आपको जो है सीरीज में ही चेक करना है। तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना है, कभी भी मोटर को इस तरीके से नहीं चलाना है। आपने देखा होगा अभी कि उसमें से कुछ भी निकल के लग निकल के जो है बड़ी तेज उस कट्टे में लगा था, जो कट्टा हमने सामने को रखा हुआ था। तो इस तरीके से मोटर को नहीं चलाना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है। वो आपको दिखाने के लिए हमने इस तरीके से किया था। तो ये देखिए ये नई कॉइल है मोटर की जो कि ऊपर लगेगी। तो इसको फिट करने के बाद हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से कैंडी को बनाया जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमने जो कैंडी को इस तरीके से बनाएंगे। आपको वो वाली वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि हमारे पास एलिमेंट उस समय अवेलेबल नहीं थी और मैं थोड़ा बिजी था, तो वो मशीन बना करके जो है भेज दी थी और कस्टमर को दे दी थी मशीन बना करके। तो फिर उस समय मैं ये वीडियो को नहीं शूट कर पाया, इसीलिए मैं आपको ये वाली इमेज दिखा रहा हूँ। वो कैंडी मशीन इस तरीके से देखिए कैंडी को बनाया जाता है। वो मशीन को रेडी करने के बाद इस तरीके से देखिए कैंडी बनती है। तो आइयो फ्रेंड आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसको भी जो है सीख सकें। धन्यवाद।